फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट डिस्कस किया अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ड्यू टू एट डायपोल शॉर्ट डायपोल एट एनी पॉइंट एट एनीट एनी पॉइंट ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शार्ट डाइपोल हम लोग किसी भी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल जैसे कि मेरे पास मैग्नेटिक डाईपोल ये है ठीक है बेटा ये एरो इंडिकेट करती है कि देखो मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली साउथ टू नॉर्थ होता है दैट मीन्स टू से दैट हेयर देयर इज द साउथ पोल एंड हेयर इज द नॉर्थ पोल तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल को शॉर्ट डाइपोल को दिखाने का तरीका है ठीक है बेटा दिस इज हाउ वी शो ए शॉर्ट डाइपोल और जो पॉइंट पी है दैट इज एनीयर हेयर जिस पे कि आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो आपको जो गिवन है वो ये है कि ये पॉइंट पी आर दूरी पर है डाइपोल से और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है M और इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है बेटा इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक डाइपोल और हम इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं वी द पॉइंट पी ठीक है बेटे अब आप देखिए इस मैग्नेटिक डायपोल को या मैग्नेटिक मोमेंट को हम इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इट बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया बेटा एम कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे बेटा दिस इज वॉट एम साइन थीटा अब ये एक डाइपोल की जगह पे हमने दो शॉर्ट डाइपोल कर दिए और उन पे क्या मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो हमें पता चल गए अब बेटा ये जो पॉइंट पी है वो cos थीटा वाले डाइपोल के लिए एक एक्सियल पॉइंट है और ये पॉइंट पी sin थीटा वाले डायपोल के लिए कैसा पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इस पॉइंट के कारण इस डाइपोल के कारण यानी एम कास्ट थीटा के कारण पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे होगी ठीक है बेटा तो दिस इज लाइक दिस बिकॉज इट इज पैरल टू दी मैग्नेटिक मोमेंट तो ये हो गया बी वन ठीक है और एम साइन थीटा के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी एम साइन थीटा की डायरेक्शन के एंटी पैरल क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरल है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी ऑन दी डाइगनल ऑफ दलोग्राम इट विलगनल ऑफ दलोग्राम सो जो पैरलोग्राम का डाइगनल होगा विल बी लाइक दिस ठीक है बेटा तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी इज स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्र प्लस बेटे बी टू का square. क्योंकि दोनों vectors के बीच में angle 90 है जो दो, next factor आता है दो आता वो factor क्या हो जाएगा जीरो अब अब देखिए बेटा बी वन कितना है बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई इन टू ये कौन सा पॉइंट हुआ ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ ये एक्सियल पॉइंट हुआ एम थीटा के लिए तो बी वन जो है वो बी टू विल बीवल टू म्यू नॉट ओवर फोर बाई इन टू एम साइन थीटा बाई आर क्यूब ठीक है बेटा एम साइन थीटा बाई अब आप देखिए रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो बी विल बी इक्वल टू बेटे देखो म्यूनाट ओवर फोर पाई इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ म्यूनाट ओवर फोर पाई ये बाहर आ जाएगा इन टू एम बाई आर क्यूब ये भी बाहर आ गया ठीक है अंदर क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ फोर कॉस्क्वायर थीटा प्लस बेटे साइंस स्क्र थीटा ठीक है इसको लिख सकते हो थ्री कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कितना होता है वन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू एम बाई आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री कॉस के थीटा प्लस वन ठीक है बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई एट द पॉइंट पी फॉर ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई प्लस वन ठीक है ये के लिए आ गई पॉइंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी बेटे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है वेन एवर ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा सो नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है किसी रीजन में ए लाइक दिस ये मैग्नेटिक फील्ड है बी ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर रीजन में और यहाँ पे डाइपोल ऐसे पड़ा है बेटा यानी बार मैग्नेट समझ लो ये डाइपोल हो गया और डायरेक्शन हो गई ऐसे ये मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि ये साउथ पोल है बेटा और ये नॉर्थ पोल है और जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज स्मॉल एम ठीक है बेटा पोल स्ट्रेंथ कितनी है स्मॉल एम है अब आप देखिए ये फील्ड लाइंस कैसे हैं बेटा लाइक दिस द फील्ड लाइंस आर लाइक दिस ठीक है द फील्ड लाइंस आर लाइक दिस अब अगर हमारे पास ये एंगल ले लिया जाए थीटा दिस एंगल इज थीटा ठीक है बेटा ये एंगल थीटा है यानी कि ये मैग्नेटिक मोमेंट और जो फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना है थीटा है ठीक है बेटा अब देखिए ये फील्ड में ये ये साउथ टू नॉर्थ है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये नॉर्थ पोल है इस पर फोर्स कैसे लगेगी देखो बेटा आपको मैंने बताया था फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल तो फोर्स क्या हो गई एम इंटू बी फोर्स क्या हो गई एम इंटू बी अब आप देखिए बेटा ये इसकी डायरेक्शन इस पे फोर्स कैसे लग गई ऐसे एम बी और इस वाले पर कैसे लग गई साउथ पोल पर डायरेक्शन लाइक दिस एम बी ठीक है और इस डाइपोल की लेंथ है टूवेल्व इस डायपोल की जो लेंथ है दैट इज अब आप ऐसा कीजिए ये जो फोर्सेस हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दीजिए इनके लाइन ऑफ एक्शन हमने बढ़ा दिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दीजिए ये जो दोनों चीजें हैं ये जो दोनों हैं, फोर्सेस, ये क्या कर रही हैं, ये एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर रही हैं ये जो दोनों फोर्सेस हैं एम बी एम बी दे आर जनरेटिंग ए टर्निंग इफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो दिस इज ए कपल ये क्या है ये एक कपल है अब आप देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया ठीक है बेटा अब जो कपल होता है यानी टॉर्क जो होती है टर्निंग इफेक्ट जो, जो होता है टॉर्क इज फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये लेंथ टूएल्व है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स इज दिस मच ठीक है बेटा ये हम लोग निकाल सकते हैं नाउ पी बाय ट

यानी जो ये कपल है उसके कारण जो टॉर्क जनरेट हो रही है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स कितनी है एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा टू एल साइन थीटा टू एल साइन थीटा तो एम इंटू टू एल कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा सो बेटा ये देखिए ये टर्निंग इफेक्ट कैसा है इट विल टर्न दी मैग्नेट लाइक दिस यानी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे टर्न करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा तो ये टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट है ठीक है बेटा टॉर्क वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बैठा है तो क्रॉस प्रोडक्ट एम क्रॉस बी क्यों कहा क्योंकि एम से लेके बी तक अगर हम कर्ल कर रहे हैं तो वो क्लॉक वाइज बेसिकली ये जो टॉर्क है ये चाहती है कि जो ये मैग्नेटिक डाइपोल है वो कैसा हो जाए पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड हो जाए एक्सटर्नल फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में लाना चाह रही है ठीक है बेटा तो ये टॉर्क

सर्टन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है बेटा कि डाइपोल क्या एक्सटर्नल फील्ड में जब उसकी प्लेसमेंट की जाती है किसी एंगल पे एक्सटर्नल फील्ड के साथ में तो क्या इट प्रोजेसेज सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज पोजिशन बेस्ड एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी उसके बारे में मैं बात करूंगा बिल्कुल देखिएगा बेटा ध्यान से नाव potential energy potential energy possessed by possessed by by a magnetic field by a magnetic dipole magnetic dipole in external in external magnetic field in external मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटे अब आप देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेगा वी विश फाइंड, दैट इज एट डिफरेंट अब आप देखिए अगर मेरे पास इनिशियली डाइपोल थीटा वन एंगल पर था और मैंने इसको इस डाइपोल को नई पोजीशन में लेके जाना है दैट इज एट एन एंगल बेटे ये एंगल यानी आई वॉन्ट टू प्लेस इट लाइक दिस सो दैट इट इज़ एट एन एंगल थीटा टू विद द फील्ड मतलब मैं इसको टर्न कर रहा हूँ तो बेटा देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देर इज़ वर्क टू बी डन क्योंकि हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इस डाइपोल पे टॉर्क लग रही है ऐसे तो मुझे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसको थीटा वन एंगल से थीटा टू पर डिस्प्लेस कर दूँ तो नाउ व्हाट इज़ दी वर्क डन

तो स्मॉल वर्क इज़ डन इन टर्निंग इट बाय ए एंगल डी थीटा इज एम बी साइन ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा टोटल वर्क दैट कैन बी ऑप्टेन बाय इंटीग्रेटिंग इट ठीक है थीटा कहां से कहां चेंज हो रहा है बेटे थीटा वन टू थीटा टू थीटा वन से थीटा टू तक जो है थीटा चेंज कर रहा है तो जो वर्क हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा ठीक है बेटा एम बी साइन थीटा डी थीटा तो अब देखिए एम बाहर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एम बी बेटे माइनस कॉस थीटा और फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू सो दिस इज इक्वल टू वाट बेटा माइनस ये आ गया बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है बेटे इट कैन बी नाउ रिटर्न इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ़ थीटा टू ठीक है बेटे तो ये क्या है ये वर्क डन है ये वर्क डन किसके बराबर है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है देखो, अगर आप देखें इस एंगल से, तो work, work आया हमारे पास. नो कितना आया वर्कडन इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा टू माइनस माइनस प्लस प्लस एम बी या ऐसे लिख लो इसको ऐसे लिखा सकता ना बेटा माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा वन ये जरा ध्यान से देखिए ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन टू माइनस दी पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन वन ठीक है बेटे तो फाइनल वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इसका मतलब क्या है इन जनरल एक्सप्रेशन क्या बन गया यू इज इक्वल टू माइनस एम थीटा यानी कि अगर कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड में देखनी है अगर डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है ठीक है बेटा देखो यू टू कितना है माइनस एम बी कॉस्टा टू और यू वन कितना है माइनस एम बी कॉस्टा वन यानी ये पोजिशन इनिशियल पोजिशन पे यानी जब थीटा वन एंगल था तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस्टा वन थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस्टा टू है तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजिशन थीटा कैन बी रिटन एज माइनस एम बी कॉस् थीटा फ्रॉम दिस ठीक है Likewise from this expression above the beta Now u is equal to minus m b cos theta. U is equal to minus m b cos theta. So u any potential energy is equal to minus m vector dot b vector. U is equal to minus m vector dot b vector. Yani ki it is negative of dot product of what?

फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव हैं जो नेचर में उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट नेगेटिव ठीक है बेटा सो so, ये हमारे पास डायपोल की एनर्जी का एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वर्कआउट किया एट एनी पोजिशन थीटा नाउ क्वेश्चन A dipole, a magnetic dipole, a magnetic dipole of magnetic moment of magnetic moment M of magnetic moment M is placed is placed is placed such that it is making so that it is making an angle an angle of 30 degree with with external magnetic field with external magnetic field of intensity of intensity b if the dipole is turned is turned such that such that it makes an angle makes an angle of sixty degree, take up sixty degree with the field with the field the field then then calculate the work done then calculate the work done in turning in turning the dipole in turning the dipole dipole through this position through this position. ठीक है बेटे सॉल्यूशन इज देखिए हमें पता है वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जो डाइपोल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और फाइनली जो डाइपोल है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो अब आप देखिए वर्क डन क्या होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यदि आप देखो तो यू आई

वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू यूनिशियल यू फाइनल माइनस यू यूनिशियल सो दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस एम बी बाई टू माइनस माइनस रूट थ्री एम बी बाई टू तो ये हो गया बेटा कितना एम बी बाई टू इंटू रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन तो ये हो गया क्या चीज दिस इज दट वर्क डन ठीक है इन टर्निंग फ्रॉम एन एंगल ऑफ 30 टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो so ये हमारा डन हो गया दैट इज एम बी बाई टू इंटू रूट थ्री माइनस वन एम बी बाई टू इंटू रूट थ्री माइनस वन ठीक है बेटे नौ ये हमने बात करी मैग्नेटिक डाइपोल और उसका डिफरेंट फील्ड्स में बिहेवियर के बारे में बात करी फील्ड में किस तरह का बिहेवियर है और हमने बात करी कि अगर मैग्नेटिक डायपोल को फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगती है किसी एंगल पे अगर वो पड़ा हो तो टॉर्क लगती है और वो टॉर्क की टेंडेंसी उसको पैरल करने की देन वी डिस्कस्ड दी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाई डाइपोल इन एनी पोजिशन और फिर हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक डाइपोल को टर्न किया गया और देन व्हाट इज़ दी वर्क डन अब बेटा देखिए देयर आर थ्री बेसिक पोजीशंस ठीक है बेटा जिस पे कि वी कैन लुक इनटू तीन ऐसी बेसिक पोजीशंस हैं जिन पे कि हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जीज क्या क्या होंगी जैसे कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और उसमें डाइपोल पड़ा है एंड द डाइपोल लाइज पैरल टू दील्ड या डाइपोल भी लाइंग ये थर्ड पोजिशन है यह पहली ये दूसरी और ये तीसरी अब इन तीनों पोजिशन में लेटस सी वट आर दोटेंशियल एनर्जीज तो बेटा यू वन किसके बराबर हो गया एम बी इन टू कॉस्ट ऑफ जीरो U2 कितना हो गया दाइंटी एम बी इंटू माइनस माइनस बेटे और यू थ्री पोजिशन एम बी इंटू कॉस ऑफ वन हंड्रेड एट्टी इस पोजिशन में जो, potential energy is minus MB. इस पोजिशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो इस पोजिशन में पोटेंशियल एनर्जी इज एम बी ठीक है बेटा अगर हमारे पास डाइपोल फर्स्ट पोजीशन से हम इसको थर्ड पोजिशन में लेके जा रहे हैं देन वट इज वर्क डन ठीक है बेटा वर्क डन वर्क डन इन टर्निंग दी दी डाइपोल इन टर्निंग डाइपोल फ्रॉम पोजिशन वन पोजिशन वन टू पोजिशन टू टू पोजिशन थ्री इज यानी कि अगर डाइपोल पहले पैरल था और अब डाइपोल एंटी पैरल है तो कितना वर्क किया गया इस कोड ऐसा करने में टर्न करने में तो बेटा वर्क डन इज़ इक्वल टू वॉट चेंज इन पोटेंशियल टू वट एम बी माइनस माइनस एम बी कितना हो गया बेटा ये दैट इज टू एम बी दट इज इक्वल टू टाइस ऑफ एम बी ठीक है बेटा और आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री वाली पोजिशन पे क्या है जीरो है 90 डिग्री वाली पोजिशन पे कैसी है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इज इट ओके बेटे नाउ ये मैंने आपके साथ एक्सप्रेशन का डिस्कशन कर दिया नाउ नेक्स्ट थिंग्स नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल बी टेकिंग अप नाउ अब देखिए बेटा हमने डाइपोल के बारे में बात की थी वी हैव डिस्कस्ड द डाइपोल इन डिटेल ठीक है बेटे नाउ वी विल बी टॉकिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड करने से पहले डिस्कशन करने से पहले डाइपोल का एक और रिलेटेड आर्टिकल जो रह गया है वो मैं और डिस्कस करूंगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए डाइपोल विच इज ऑसिलेटिंग ठीक है बेटा ऐसा है कि जब डाइपोल वी विल नाउ कैलकुलेट दीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ द एस एच एम ऑफ द एस एच एम ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटा अब आप देखिए ये हमारे पास एक डाइप एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी और इसमें हमने एक डाइपोल रख रखा है ठीक है बेटा डाइपोल इस प्लेस लाइक दिस इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है ये मैग्नेटिक डाइपोल रख रखा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरल टू दी एक्सटर्नल फील्ड बी ठीक है बेटा वो कैसा है पैरल है टू एक्सटर्नल फील्ड बी और ये पोजिशन जो होती है ये स्टेबल इक्वेबरियम की पोजिशन होती है अगर हम एंटी पैरल रखते हैं तो वो भी इक्वेब्रियम है लेकिन वो कैसा इक्वेब्रियम है अनस्टेबल इक्वेलेब्रियम है अब आप देखिए इस डाइपोल को बहुत हल्का सा यदि मैं डिस कर दूँ बहुत ही स्मॉल एंगल से यदि मैं डिस्प्लेस कर दूँ ठीक है बाई न एंगल से थीटा और छोड़ दूं तो व्हाट विल हैपन इसकी टेंडेंसी होगी टू कम टू मिडिल पोजीशन बट इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में व्हेन इट कम्स टू दिस पोजीशन सो इट ओवरशूट्स एंड इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम लाइक दिस इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग लाइक दिस ठीक है बेटा ये ये तो ये जो ऑसलेशन है ये जो ऑसिलेशन हैं ये सिंपल हार्मोनिक है मतलब ये जो मोशन है ये सिंपल हारमोनिक मोशन है और मैं निकालना चाह रहा हूं इसका टाइम पीरियड इस डाइपोल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाह रहा हूं अब आप देखिए बेटा इसको निकालने के लिए आपने इसको डिस्प्लेस इस तरफ किया है रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे एक्ट कर रही है ऐसे यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है दे आर बोथ इन दोजिट डायरेक्शन तो अब आप देखिए टॉर्क टाओ ठीक है बेटा इज़ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा ठीक है बेटा ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक तभी होगा व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल ठीक है इफ देखिए बेटा इफ दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल ओनली दोशन इज ओनली दोशन इज वट इज सिंपल हारमोनिक इज सिंपल हारमोनिक ठीक है बेटा तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा

बेटा एंगुलर एक्सलेशन एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक है बेटा एंगुलर एक्सलेशन एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो एल्फा इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो मोशन कैसा हो गया मोशन इज सिंपल हारमोनिक मोशन इज सिंपल हारमोनिक अब मोशन अगर सिंपल हारमोनिक हो गया ठीक है बेटा तो इस वी कैन वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया कंपेयरिंग द टू ठीक है बेटा कंपेयर अगर करें तो ओमेगा स्क्वायर यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई आई तो इसके मतलब है यहां से टी कितना हो जाएगा टाइम पीरियड टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम बी ट ऑफ एनर्शिया है अब बेटा अगर हमारे पास बार मैग्नेट होता तो आपको पता बार मैग्नेट जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है ठीक है अब इसका ये बी होता और ये सपोज H होती ये लेंथ यानी इसकी लेंथ बी होती और इसकी ब्रेड H होती तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई ट्वेल्व अगर हम इसको इस सेंटर के लॉन्ग ऑसिलेट करवा रहे होते ठीक है बेटा तो आई वॉज बी एच क्यूब बाई ट्वेल्व इज इट ओके नाउ बेटा अगर यही जो है सपोजिंग इट वॉज ए रॉड ठीक है बेटा अगर ये रॉड होती इस तरह से और इसकी लेंथ एल होती और इसका मास एम होता तो इन दिस इन दिस केस ठीक है जी बेटा एक मिनट ये अगर ये मैग्नेट का मास एम होता और ये बी होता ये एच होता तो ये पता कितना हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था एरिया मोमेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आई इज इक्वल टू एम बी प्लस एच बाई ठीक है बेटा अब इस रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट सेंटर एम एल स्क्वायर बाई ठीक है बेटा एम एल स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है रॉड का ये हो जाता ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हमने ये अभी निकाला है इसका मैं फर्दर यूजेज करूंगा इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है कि उसको किसी भी अर्थ की फील्ड में बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है टू फाइंड दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर रीजन और टू कम और टू फाइंड दी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए गिवन बार मैग्नेट ठीक है बेटा तो ये टॉपिक यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ वी हैव डिस्कस टोटली इन डिटेल दी मैग्नेटिक डायपोल एंड उससे रिलेटेड एंटिटीज ठीक है बेटा हाँ जी देखिए बेटा मैग्नेटिज्म में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल सर्टन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेवियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था आज मैं आपके साथ जोग्राफिक फील्ड यानी अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में डिस्कस करूँगा उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा उसके एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा सो वी विल डिस्कस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटे हमने ये पढ़ा है कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं इन दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है लेकिन किसी ने यह बात नहीं सोची कि वो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों पॉइंट करता है एक आदमी था जिसका नाम था गिलबर्ट, गिलबर्ट, देखिए बेटा क्या प्यारा नाम है गिलबर्ट। इस आदमी ने जो है सबसे पहली बार ये बताया था कि जो एक मैग्नेट है डज इट पॉइंट टर्ड्स द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों वो जो ग्राफिक नाव में करता है उसने गिलबर्ट ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो ये कहा था कि ये जो अर्थ अर्थ है है ठीक है बेटा अर्थ के बीचों बीच एक मैग्नेट है ठीक है बेटा विच इज एट सर्टन एंगल टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके किसी एंगल पर एट सर्टन एंगल बीचो बीच अर्थ के एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ठीक है बेटा अर्थ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और ये जोग्राफी जोग्राफी के हिसाब से अगर ये साउथ है और जोग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ है तो इस मैग्नेट जो कि अर्थ के बीचों बीच जो अर्थ के अंदर है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट को पैदा कर रहा है वो मैग्नेट का साउथ जो है जोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिक साउथ को पॉइंट कर रहा है इसीलिए जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ग्राफ वो नॉर्थ से निकलती है वो साउथ से निकलती हैं नॉर्थ को जाती हैं जो अर्थ की फील्ड लाइन अगर मैं बनाऊं सो so like दे आर लाइक दिस ज्योग्राफिक साउथ से निकलकर नॉर्थ को जाती हैं क्युं? क्यों क्योंकि मैग्नेट जो है वो अंदर उल्टा पड़ा हुआ है ठीक है बेटा अब ये गिलबर्ड की फिलासफ़ी थी अलग अलग लोगों ने अलग अलग फिलासफीज़ दी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वाई इट इज़ देयर अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट किस वजह से है अलग अलग फिलासफीज इसके पीछे दी गई अब आप देखिए बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जोग्राफिक साउथ से जोग्राफिक नॉर्थ तक जो है जा रही हैं अब देखिए दिस इज़ द इक्वेटोरियल एक्सिस ये हमारा equatorial axis है middle में ठीक है बेटा अब ये equatorial axis है अब आप देखिए ये poles हैं these are the poles of the earth एक आपको पता है नॉर्थ पोल होता है जहाँ पे पेंग्विन रहती हैं एक साउथ पोल है इज इट क्लियर अब देखिए बेटा ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग एंगल -अलग अलग पर होगी बिकॉज़ ऑल द प्लेसेस आर लोकेटेड ऑन द ग्लोब तो फील्ड लाइन जो फील्ड्स की फील्ड की डायरेक्शंस हैं दे आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ठीक है तो अर्थ की फील्ड डिफरेंट हैं नाउ देर आर टू वेज इन विच वी डिफाइन इन विच वी डिफाइन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेट्स ठीक है बेटा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ठीक है बेटे ये दो तरह की बातें हैं वी टॉक अबाउट दी कंपोनेंट्स इन टू वेस ठीक है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स के बारे में हम कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नाउ बेटा व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ऐसा है कि एक अगर मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को पॉइंट आउट करे वो स्लाइटली ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कुछ एंगल परे होता है या मैं आपको इस, द, इस, इन, इस बात को दो ढंग से आपको समझाता हूं वी जस्ट टॉक अबाउट ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मेरिडियन वी टॉक अबाउट दी ज्योग्राफिक मेरी दैग्नेटिक मरीडियन अब बेटा ज्योग्राफिक मरीडियन क्या होता है जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ठीक है बेटा जोग्राफिक नॉर्थ साउथ के बीचों बीच यदि मैं एक वर्टिकल प्लेन निकाल दू ठीक है ये बेटा देखिये जैसे ये है ये वर्टिकल प्लेन मैंने अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ साउथ के बीच से निकाल दिया दिस इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ दी अर्थ तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिक मरिडियन इस प्लेन को फिर क्या कहेंगे वी टॉक अबाउट वी से दिस हैजोग्राफिक मरीडियन ठीक है बेटा सो वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ Geographic north south is called, is called geographic meridian इज geographic meridian. Geographic meridian ठीक है बेटे मरीडियन और जब हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया जब हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया और जो उससे अगर आप वर्टिकल प्लेन निकाल देते हो तो वो जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन उसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से अगर हम एक वर्टिकल प्लेन निकाल दें सो so, बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन इट इज दी दी इट इज वर्टिकल प्लेन vertical plane passing through passing through passing through the magnetic through the magnetic magnetic north and magnetic south and magnetic south ठीक है बेटा तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन ये जोग्राफिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है किसी भी प्लेस पे जब हम मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस से जो मेरिडियन निकलता है जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल से जो वर्टिकल प्लेन निकालते हैं उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं और जोग्राफिक मेरिडियन फिक्स्ड रहता है अलग अलग प्लेसेस पे जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में अलग अलग एंगल्स होते हैं यानी कि मैग्नेट कभी भी डायरेक्टली नॉर्थ साउथ एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करता है तो ये जो एंगल है बिटवीन द जोग्राफिक मरीडियन एंड द मैग्नेटिक मरीडियन जो एंगल है बिटवीन द जोग्राफिक मरीडियन एंड मैग्नेटिक मरीडियन इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इसको क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सो एंगल बिटवीन व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन the angle between between the geographic meridian between the geographic meridian and the magnetic meridian and the magnetic meridian and the magnetic meridian

जो है वो मैरिनस कंपस का इस्तेमाल करता है यानी कि मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करता है अपने आप को डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो अगर किसी प्लेस में डेक्लिनेशन है ठीक है बेटा जो डेक्लिनेशन है तो एग्जैक्टली exactly अगर वो सोच रहा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है तो ही इज़ नॉट गोइंग परफेक्टली इन दियोग्राफिक नॉर्थ एंड परफेक्टली इन दी ज्योग्राफिक साउथ और परफेक्टली इन ज्योग्राफिक ईस्ट और परफेक्टली इन ज्योग्राफी ज्योग्राफिक वेस्ट क्योंकि हर प्लेस पे कोई ना कोई डेक्लिनेशन होती है इसीलिए तो बेटा अगर एक सेलर चलना शुरू करता है तो वो अपनी समझ में जा रहा है किसी कंट्री की अप्रोच कर रहा है किसी कंट्री को तो ही इज नॉट एग्जैक्टली डूइंग इट ही इज़ नॉट एग्जैक्टली ही डज नॉट समम्स रीच एग्जैक्टली एट द प्लेस विच ही इंटेंड्स टू ठीक है बेटा और प्रोसेस वो दूसरी किसी कंट्री में पहुंच जाता है डिप एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ दी डेक्लेनेशन एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ दी डेक्लेनेशन एट डिफरेंट प्लेसेस मैं इसका एक क्वेश्चन करूंगा तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है ठीक है बेटा तो अब देखिए एक क्वेश्चन इसी डेक्लेशन एंगल के ऊपर ही ना क्वेश्चन है ऐसा ए सेलर इज गोइंग ड्यू ईस्ट ड्यू ईस्ट एज पर एज पर दैरिनर्स कंपस कंपस इफ द if the declination if the declination of the place is if the declination of the place is 10 degree 10 degree 10 degree east of north east of north 10 degree east of north then is he really heading and is he रियलीडिंग ड्यू ईस्ट देन इज ही रियली हैडिंग डू ईस्ट ठीक है बेटा तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है ए सेलर इज गोइंग ड्यू ईस्ट एज पर दैरिनस कंपस इफ द डेक्लिनेशन ऑफ द प्लेस इज टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ देन इज ही रियली हैडिंग ड्यू ईस्ट क्या वो असलियत में ड्यू ईस्ट जा रहा है प्लेस की डेक्लिनेशन दी हुई है टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है प्लेस की डेक्लिनेशन है टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नार्थ तो अब हमसे वो पूछा जा रहा है कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है ठीक है एज पर द मेरेनस कैंपस इज ही रियली हैडिंग टू ईस्ट तो बेटा देखिए ये आपको मैं सबसे पहले एक डायरेक्शन चार्ट बनाता हूँ दैट इज़ द लियन दैट इज डायरेक्शन चार्ट सो डायरेक्शन चार्ट में जो है ये ईस्ट डायरेक्शन ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ ठीक है बेटा नाउ टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बेटा ईस्ट की तरफ दस डिग्री किससे नॉर्थ से तो ये आपका नीडल के हिसाब से ये नॉर्थ है ये साउथ बन रहा है ठीक है बेटा ये यानी कि आपका मैग्नेटिक इस इससे गुजरा है ज्योग्राफिक मेरिडियन ये है तो एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ सॉरी डेक्लिनेशन टेन डिग्री ये है नाउ अब अगर नॉर्थ और साउथ ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ हो गया प्लेस का तो यानी कि ईस्ट तो इसके 90 डिग्री आना है तो असल में दिस विल ऑल्सो गो टेन डिग्री टूवर्ड दिस साइड

कि डेक्लिनेशन उस प्लेस की थी टेन डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ टेन डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैंने क्या करा है यहाँ पे अभी तो आपको टेन डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दी थी डेक्लिनेशन अगर मैं यही डेक्लिनेशन कर दूँ टेन डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है बेटा वेस्ट ऑफ नॉर्थ कर दूँ और साथ में ये कह दूँ ठीक है बेटा कि वो जा ड्यूस्ट ही रहा है जो सेलर है ही इज गोइंग ड्यू ईस्ट एज पर हिज बट इज ही रियली गोइंग ड्यू ईस्ट अब देखते हैं देखो बेटा 10 डिग्री अगर मैं ये कहूं कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ इट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो ये हो गया आपका 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है बेटा दिस इज 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ अब आप देखिए जो मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये है और साउथ डायरेक्शन ये है मैग्नेट के हिसाब से

हमें बेसिकली डेक्लेशन दी जाएगी प्लेस की और हमें बताना होगा कि वो एक्चुअल में बेटा किस डायरेक्शन में हेड he कर रहा है तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आपने ये देख लिया बेटा तो इसमें वो चेंज कर सकता है आप स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली ही कैन चेंज कि विद द पर्सन वाज हेडिंग ड्यू वेस्ट तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में ही इज हेडिंग टेन डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट इन द सेकेंड सिचुएशन ही इज हेडिंग टेन डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ठीक है तो ये आप देख सकते हैं Modified, जितना मर्जी ऐसी problems को कर सकते हैं Now, next, जो आपके साथ discussion करूंगा, that is another Earth's components. कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात फील्ड के कंपोनेंट्स इनको हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आल्सो ठीक है बेटे तो अब आप देखिए अभी हमने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के बारे में बात की देयर इज अनदर एंगल विच वी कॉल एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और इट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिप और इट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इसके बारे में बात करूंगा देखिए बेटा ऐसा है जब हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके साथ वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहता यानी मैग्नेट डज नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल इन द फील्ड क्योंकि अर्थ के रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन में वो मैग्नेट जो है वो डाइपोल है तो वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके पैरेलल होता है ठीक है तो अब अगर हम किसी प्लेस पे यानी कि इक्वेटर से हटके और पोल से कहीं बीच में किसी भी प्लेस पे अर्थ पे अगर मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा इट विल स्लाइटली बेंड एट सर्टन हॉरिजॉन्टल जितने एंगल से वो बेंड करता है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ वो झुके हुए पोजिशन में कई जगह पे उड़ जाता है और कई जगह पे झुक जाता है मैग्नेट यदि आप नर्दन हेमिस्फीयर में जाओगे तो द मैग्नेट विल डिप और यदि आप सर्दन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नेट उठा हुआ नॉर्थ पोल उठ जाएगा साउथ पोल झुक जाएगा इज इट क्लियर नर्दन हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल झुक जाएगा साउथ पोल उठ जाएगा तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ व्हेन दी मैग्नेट मैग्नेट हैज डिप्ट आइदर इन दी अपवर्ड साइड और इन डाउनवर्ड साइड इट हैज डिफ्ट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड टू अर्थ एट दैट प्लेस इज एट दैट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ठीक है बेटा तो ये हमने मैग्नेट लिया अब ये देखिए ये मैग्नेट हमारे पास और ये अर्थ की रिजल्टिंग ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये असल में जो मैग्नेट कितना डिप किया हुआ है ये है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल है ये दिस इज हॉरिजॉन्टल ठीक है बेटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्लेस पे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ की फील्ड के वी कैन हैव टू कंपोनेंट्स एट एट एनी प्लेस वन हॉरिजोंटल एंड अनदर वर्टिकल सो बी एच इट इज दॉर्जांटल कॉम्पोनेंट एंड बी वी लेट से इट इज दर्टिकल कॉम्पोनेंट तो इस बी का हॉर्जोंटल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा और बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा ठीक है बेटा बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा और बी वीज इक्वल टू बी साइन डेल्टा और डेल्टा क्या है डिप ये डिप हम कहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिप मैग्नेटिक मेरिडियन में देखी जाती है यानी जो मैग्नेट है जब उसको आपने सस्पेंड किया तो वो जो जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है और वो उससे जो वर्टिकल प्लेन निकालते हैं दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो मैग्नेट की आप डिप देख रहे हैं जो मैग्नेट की आप डिप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वट ठीक है बेटा दैट इज दी ट्रू डिप उसको कहते हैं हम ट्रू डिप ठीक है और अगर किसी और वर्टिकल प्लेन में हम मैग्नेट की डिप देखें तो दैट इज नॉट ट्रू डिप दैट इज व्हाट अपेरेंट डिप बोलते हैं उसे दैट इज अपेरेंट डिप बेटा देखिए इसको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू टू सो ट्रू डिप एट ए प्लेस इज इक्वल एच तो मैग्नेटिक मेरेडियन में ट्रू डिप इज ऑलवेज सीन इन दी मैग्नेटिक मेरेडियन ठीक है बेटा यहां लिख रहा हूं ट्रू डिप ट्रू डिप और और, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑलवेज इज ऑलवेज सीन ज ऑलवेज सीन इन द मैग्नेटिक मरिडियन इन दैग्नेटिक मैरिडियन दैग्नेटिक मैरिडियन देखो बेटा अब अगर हम किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट की डिप देखें सो दैट इज नॉट इट विल नॉट गिव अस ट्रू डिप इट विल गिव अस अंट डिप वो कौन सी डिप देगा पेरेंट डिप देगा सो देखिये बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं इन एनी अदर वर्टिकल प्लेन इन एनी अदर वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन इन एनी अदर वर्टिकल प्लेन दी दी डिप ऑब्जर्वड is 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 not true true dip, dip. 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 dip but it is, it It is it what apparent dip. It is apparent dip. It is apparent dip. So true dip सिर्फ कहाँ दिखती है जो सिर्फ मैग्नेटिक meridian में एपरेंट डिप कहाँ दिखेगी किसी भी दूसरे वर्टिकल प्लेन में जो डिप हम देखते हैं दैट इज एपरेंट dip. समझ में आई बात बेटा बात नाउ दिस इज वी हैव टॉक्ट अबाउट दी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप के बारे में बात की हमने नाउ ऑलवेज इट हैज बीन फाउंड दैट अपेरेंट डिप इज ग्रेटर देन ट्रू डिप अपेरेंट जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है दैट इज ग्रेटर देन द ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है बेटा अपेरेंट डिप इज ऑलवेज मोर देन ट्रू डिप अब हम निकालेंगे किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में अपेरेंट डिप वी विल फाइंड आउट दी अपेरेंट डिप इज इन एनी अदर वर्टिकल प्लेन ठीक है उसके बारे में अब मैं बात करूंगा बेटा देखिए नाउ, ये हमारा लेट्स मैग्नेटिक मेरेडियन है या दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड देयर इज ए प्लेन बिहाइंड दिस लाइक दिस और ये जो है ये प्लेन वर्टिकल प्लेन एंगल अल्फा बना रहा है दिस वर्टिकल प्लेन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये वाला प्लेन दिस इज सम अदर वर्टिकल प्लेन सम अदर वर्टिकल प्लेन ठीक है बेटा ना दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन दिस इज सम अदर वर्टिकल प्लेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सम अदर प्लेन इज अल्फा ठीक है इज अल्फा एंगल इज अल्फा अब आप देखिए हमने ट्रू डिप देखी इस प्लेन में तो देखा कि एंगल था डेल्टा ट्रू डिप वॉस डेल्टा नाउ अब हम निकालना चाह रहे हैं अपेरेंट डिप अपेरेंट डिप मतलब पिछले वाले प्लेन में क्या डिप होगी तो मान लीजिए पिछले वाले प्लेन में हमने डिप नोट की वो आई डेल्टा डैश ट्रू डिप डेल्टा थी और अपेरेंट डिप डेल्टा डैश थी और जो एंगल था जो वर्टिकल प्लेन बना रहा था विद दी मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के साथ मैग्नेटिक मरीडियन के साथ जो एंगल बना रहा था हम वर्टिकल प्लेन दैट वाज एंगल अल्फा नाउ वी विश टू कैलकुलेट दी अपेरेंट डिप इन दी अदर वर्टिकल प्लेन तो अपेरेंट डिप हम दूसरे वर्टिकल प्लेन में निकालना चाह रहे हैं अब आप देखिए बेटा इसको कैसे वर्कआउट करूंगा मैं नाउ आपको ये बात पता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं एक है बी एच डायरेक्शन में दूसरा है बी वी दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन सो बी एच और बी वी बी एच डायरेक्शन में है बी वी वर्टिकल डायरेक्शन में है ठीक है बेटा अब टैन ऑफ डेल्टा टैन डेल्टा इज इक्वल टू वी वी बायच टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच ठीक है बेटा अब आप देखिए जब हम दूसरे प्लेन में चले गए यानी कि दूसरे वर्टिकल प्लेन में चले गए तो उसमें डिप बदल गई उसमें डिप डेल्टा डैश है ये कौन सी डिप है अपेरेंट डिप है अब इस डिप को भी आप नाप सकते हैं इस डिप एंगल को भी नाप सकते हैं कैसे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है दैट रिमेन्स सेम लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का दैट चेंजेस सो दिस विल बी हेयर इट विल बी बी एच बी एच कॉस ऑफ अल्फा ठीक है बेटा बी एच कॉस ऑफ एल्फा यानी इस वर्टिकल प्लेन के लिए इस वर्टिकल प्लेन के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की फील्ड का वो है बी एच कॉस ऑफ एल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बी वी ही है तो उसमें जो अपेरेंट डिप एंगल बनेगा tan ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच इंटू कॉस ऑफ अल्फा बी वी बाय बी एच इंटू कॉस ऑफ एल्फा सो बी बाय बी क्या है टैन डेल्टा

कि कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है तो अगर यहां पे डेसिमल में आएगी वैल्यू तो ये रेशियो बड़ी हो जाएगी और ये जो अपेरेंट डिप आप नापेंगे इट विल बी हायर ठीक है बेटा इट विल बी हायर तो इसलिए इज ऑलवेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिप ठीक है बेटा सो अपेरेंट डिप जो है हमेशा ही ज्यादा होती है ट्रू डिप से ठीक है तो आपने देखा ये रिलेशनशिप है दिस इज ए रिलेशन टू फाइंड द अपेरेंट डिप एट ए पर्टिकुलर प्लेस ठीक है तो so, इस ये रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप और एल्फा क्या है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द अदर वर्टिकल प्लेन एट विच वी विश टू फाइंड द अपेरेंट डिप ठीक है बेटा नाउ अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे इसी पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वी विल बी टेकिंग अप ए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम इस तरह है ठीक है बेटा इफ इफ एट If the dip, if the dip, if the dip at two vertical planes, vertical planes perpendicular to each other, perpendicular to each other, other is Delta one and Delta two is Delta one and Delta two. Then, 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 if the dip true dip true dip is Delta, okay? if the true dip is Delta, then find then prove then prove that then prove that cos square delta is equal to cos square delta 1 plus cos square delta 2 ठीक है बेटा तो दो वर्टिकल प्लेन्स हैं व्हिच आर म्यूचुअलली परपेंडिकुलर टू तो ईच अदर और उन प्लेन्स पे हमें डिप एंगल्स बताए गए हैं वन इज डेल्टा 1 एंड अनादर इज डेल्टा 2 और जो ट्रू डिप है वो डेल्टा है और हमने ये वेरीफाई करना है दैट कॉट स्क्वायर डेल्टा कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू ये हमने वेरीफाई करना है अब आप देखिए बेटा कैसे मैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया मैंने जिसमें ट्रू डिप है एक प्लेन ले लिया एल्फा एंगल पे इसके साथ तो दूसरा वर्टिकल प्लेन जिसपे की डिप डेल्टा टू है वो कितने एंगल पर होगा मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 90 माइनस अल्फा पर क्योंकि दोनों वर्टिकल प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज बोथ दी वर्टिकल प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो बेटा आप देखिए नाउ टेन ऑफ डेल्टा वन दैट इज अ डिप ऑफ अ प्लेस टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू टेन ऑफ डेल्टा दैट इज टेंजेंट ऑफ ट्रू डेप्थ बाई कॉस ऑफ एल्फा बाई कॉस्ट ऑफ एल्फा यह हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू डिप एंड फॉर दिस वर्टिकल प्लेन फॉर फर्स्ट वर्टिकल प्लेन अब जो दूसरा प्लेन है विच इस पेंडिकुलर टू इट उस पर आप देखिए टेन ऑफ डेल्टा टू टेन ऑफ डेल्टा टू इज इक्वल टू टेन ऑफ डेल्टा अपॉन कॉस ऑफ नाइंटी माइनस एल्फा अपॉन कॉस्ट ऑफ नाइन्टी माइनस एल्फा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ डेल्टा ओवर साइन ऑफ एल्फा टेन ऑफ डेल्टा ओवर साइन ऑफ एल्फा ठीक है बेटे नाउ यू सी साइन एल्फा देखिए बेटा साइन एल्फा को क्या लिखते हैं साइन ऑफ एल्फा कैन बी रिटन एज टेन डेल्टा अपॉन इसको लिख सकते डेल्टा टू ठीक है बेटे और कॉस ऑफ एल्फा फ्रॉम हेयर फ्रॉम फर्स्ट

कॉड स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू क्योंकि बेटा दोनों को हम क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड वी आर एडिंग दी टू रिजल्ट्स तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वन होगी इन दोनों से और राइट हैंड साइड पे ये हो गया टेन स्क्वायर डेल्टा इंटू कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू तो ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा टू इज इक्वल टू वन बाई